आइए आज हम एक महान क्रांतिकारी की बात करते हैं रास बिहारी बोस आज उनकी पुण्यतिथि भी है और रास बिहारी बोस का चरित्र कितना धवल कितना उज्जवल कितने इंटेलिजेंट कितने पराक्रमी बहादुर वो रहे हैं आज हम उसकी बात करेंगे रास बिहारी बोस जी हम पतंजलि योग पीठ के लिए हम सब के लिए इसलिए भी खास हैं कि रास बिहारी बोस वो हैं जिनका संबंध हमारे देव जी महाराज हुए से हुआ हमारे गुरु गुरुदेव देव जी महाराज रास बिहारी बोस के अनन्य सहयोगी थे रास बिहारी बोस वो हैं जिन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके भी सुख सुविधाओं को ठोकर मार कर अपना पूरा जीवन मां भारती के लिए समर्पित कर दिया रास बिहारी बोस वो हैं जो अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करके अंग्रेजों का जो लॉर्ड हॉर्डिंग है वायसराय उस समय जो होता था आज के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की ताकत को मिला दिया जाए तो उस समय जो अंग्रेजों की रानी का प्रतिनिधि होता था लॉर्ड हॉर्डिंग जो वायसराय था दिल्ली में दिल्ली के भरे दरबार में आज चांदनी चौक में जो पीएनबी का बैंक है उसके पास हाथी के ऊपर जो उसकी सवारी निकल रही थी उसके ऊपर बम फोड़ने का काम वीर श्री राज बिहारी बोस जी ने किया था राज बिहारी बोस वो थे जिन्होंने अठारह की क्रांति के बाद बंगाल के क्रांतिकारियों को संगठित करके बम बनाने की टेक्नोलॉजी भारत में लेकर आए और अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने का जिन्होंने सौपन देखा वह पहली पंक्ति के क्रांतिकारी थे देश में और विदेश में भी जो आजीवन देश के लिए संघर्ष करते रहे जो कभी रुके नहीं कभी झुके नहीं कभी बिके नहीं कभी डरे नहीं निरंतर लगे रहे पूरा जीवन मां भारती के लिए समर्पित कर दिया जिनकी दृष्टि में एक विजन था कि भारत कैसे स्वतंत्र हो सकता है जापान में रहकर जिन्होंने पूरी उम्र लगा दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज बनाई उसके निर्माण में जिनका अहम योगदान रहा यदि बोस नहीं होते तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापान में आजाद हिंद फौज शायद ना बना पाते और यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो आज देश आजाद नहीं होता तो ऐसे रास बिहारी बोस का बड़ा योगदान भारत की आजादी के इतिहास में रहा है रास बिहारी बोस कौन थे उसके बारे में हम पूरी जानकारी करेंगे पूरी बातचीत करेंगे रास बिहारी बोस जिनका जन्म 25 मई अठारह में पश्चिमी बंगाल में एक जिला है वर्धमान उसमें एक स्थान है चंदननगर उस जिले के पास सुबालदह नामक गांव में उनका जन्म हुआ पिता सरकारी नौकरी में थे घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी जब तीन साल के थे तो मां चल बसी माताजी चली गई तो मामी ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया शिक्षा करते करते कलकत्ता पढ़ते पढ़ते क्रांति की उनको लो लगी पिताजी उनको पढ़ाना चाहते थे मेडिकल इंजीनियरिंग की बड़ी पढ़ाई उन्होंने उस समय जर्मनी में की फ्रांस और जर्मनी में पढ़ाई की यूरोप में उस समय जाकर पढ़ना और पढ़ने के बाद ये सुनिश्चित था कि वो चाहते तो बहुत आराम से बहुत अच्छा जीवन गुजार सकते थे उस समय इंजीनियरिंग के नाम पर कॉलेज के नाम पर सिर्फ यूरोप में कॉलेज होते थे ये रुड़की इत्यादि के कॉलेज जो भारत में पहला कॉलेज है वो भी बड़ी मुश्किल से बने थे मेडिकल की पढ़ाई बड़ी मुश्किल थी आयुर्वेद को हटा दिया था तो उस समय वहाँ फ्रांस और जर्मनी में जो पढ़कर आया और पढ़ कर आने के बाद उनके मन में एक उत्कंठा थी कि मुझे देश के लिए कुछ करना है तो इसके लिए उन्होंने कोई बड़ी नौकरी नहीं की किसी सुविधाओं से पूर्ण जीवन नहीं जिया उन्होंने देहरादून के एफ में फॉरेस्ट अनुसंधान केंद्र में वहां पर उन्होंने नौकरी की और वहां का जो केमिकल रसायन विभाग था वहां पर उन्होंने, की। वो उन्होंने क्यों की असिस्टेंट के रूप में नौकरी की वो नौकरी इसलिए की ताकि इस नौकरी में रहते हुए उनको जो बम बनाना है उस बम के लिए वो केमिकल प्राप्त कर सके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत जब वो छात्र थे तो हो गई थी अरविंदो घोष बंगाल में सक्रिय थे जतिन मुखर्जी सक्रिय थे युगांतर युगांतर नाम का क्रांतिकारी संगठन बना हुआ था उस युगांतर को उन्होंने ज्वाइन कर लिया अरविंदो घोष के जो राजनीतिक शिष्य जतेंद्र नाथ बनर्जी जिनको निरालंब स्वामी के नाम से कहा जाता था उनके संपर्क में आए और जब वो बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए तो उनको जिम्मेदारी दी गई कि पंजाब के क्रांतिकारियों को भी संगठित करो पंजाब में जो अधिकतर क्रांतिकारी थे वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे शहीद भगत सिंह का पूरा परिवार आर्य समाज था उनके चाचा, उनके उनके दूसरे चाचा, चाचा पिताजी, दूसरे सब क्रांतिकारी थे। तो उनको संगठित किया। बिहारी बोस पश्चिमी बंगाल के अलग अलग स्थान पर हुगली में भी रहे और वहां पर रहकर वो लगातार क्रांति की गतिविधियों को संचालित करते रहे लोगों को जोड़ते रहे देहरादून के एफ में जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की तो उनका एक ही उद्देश्य था कि मुझे यहां पर बम बनाने के लिए जो आवश्यक रसायन चाहिए क्योंकि उस समय रसायन भारत में ऐसे उपलब्ध नहीं थे तो उस समय जो रसायन चाहिए उन रसायनों के लिए उनको किसी लैब में नौकरी करनी जरूरी थी और किसी सरकारी लैब में नौकरी करते हुए ही वो रसायन प्राप्त कर सकते थे केमिकल प्राप्त कर सकते थे जिससे वो बम बना सकें लॉर्ड उन्नीस में उन्नीस में क्या हुआ उन्नीस में तेईस दिसंबर को अंग्रेजों का जो लॉर्ड हॉर्डिंग है जो वायस राय है उसने दिल्ली में दरबार लगाया कलकत्ता में पहले अंग्रेजों की राजधानी थी अब उन्होंने मन बनाया कि हम दिल्ली में शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि कलकत्ता में लगातार क्रांतिकारी बम विस्फोट कर रहे थे थोड़े दिन पहले हमने खुदीराम बोस की बात की थी 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने वहां का जो एक जज था किंग्सफोर्ड अंग्रेज जो क्रांतिकारियों को सजा देता था उसकी हत्या करने के लिए मुजफ्फरपुर में बम फेंका था बग्गी के ऊपर बम फेंका पार्सल से बम फेंक दिया तो उन्होंने देख लिया कि ये बंगाल में रहना खतरे से खाली नहीं है तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम अपनी राजधानी दिल्ली में बनाएंगे और दिल्ली में दिल्ली दरबार सजा था उस दिल्ली के दरबार में तीन पांच सौ पैंसठ जो रियासतें होती थी सारी रियासत रियासतों के राजाओं को बुलाया गया सारे श्री महंतों को जो रियासतदार थे जो अमीर लोग थे सबको बुलाया गया दिल्ली में बहुत बड़ा दरबार सजाया गया। पूरी दिल्ली में रौनक रही और दिल्ली के दरबार की सहायता से अंग्रेज ये दिखाने चाहते थे कि देखो अंग्रेज कितने ताकतवर है सारे भारत के श्री महंत सारे सेठ साहूकार सारे राजा महाराजा सरदार सावंत जमींदार सब आकर अंग्रेजों के लिए फल फ्रूट हीरे जवाहरात मोती नजराने लेकर आ रहे थे और उनके दरबार में झुककर उनको सलाम करके वो पेश कर रहे थे और अंग्रेज इस दिल्ली दरबार के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे कि हम भारत के भाग्य विधाता हैं भारत को हमारे हाथों से कोई छीन नहीं सकता इसलिए कभी भी भारत को आज़ाद करवाने के लिए सोचो नहीं तो राज बिहारी बोस ने चिंतन कर लिया कि ये तो हम हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे अंग्रेजों के इसी दरबार में हमें वायस के ऊपर हमला करना है उसको मारना है अठारह की क्रांति के बाद जो युवाओं के अंदर जो रक्त सोया हुआ है उस सोए हुए शोणित को दोबारा से जगाना है शौर्य का संचार करना है रगों को दोबारा से शौर्य से के लहू से भरना है इस संकल्प के साथ रास बिहारी बोस ने योजना बनाई बुरका पहनकर बालकुम बाल, बाल मुकुंद जी बसंत कुमार विश्वास जी कुछ क्रांतिकारियों को साथ लिया और साथ लेकर उन्होंने जो रसायन एफ की लैब से लिए थे देहरादून उनसे उनसे बम बनाया और बम बनाकर उन्होंने योजना बनाई तो पहले योजना क्या थी कि वायसराय का जो जुलूस निकलेगा वो बग्गी में निकलेगा लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा जब वो हमला करने के लिए तेईस दिसंबर को गए तो उन्होंने देखा कि वायस राय तो हाथी के ऊपर बैठकर आया हुआ हाथी के ऊपर हाथी सजा हुआ है हीरे लगे हुए हैं वायसराय अपने परिवार के साथ हाथी के ऊपर बैठा हुआ है वायस राय के पीछे उसका अंगरक्षक मैक्सवेल है वायसराय के साथ में छत्र पकड़ने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ाया हुआ है छत्र वो पकड़ा हुआ है आगे महावत हाथी के ऊपर बैठा हुआ है तो वीर रास बिहारी बोस की हाइट थोड़ी सी कम थी तो उन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया सब बुरका पहनकर गए हुए वे थे वेश बदल कर गए हुए थे उन्होंने सोचा कि ये तो सारा आ, हमारी योजना खराब हो गई तो उन्होंने वसंत कुमार विश्वास उनकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा थी तो उनको बम दिया कि तुम बम फेंको वहां तक बम पहुंचाओ कि वायसराय के ऊपर सीधे होदे के ऊपर जाकर बम गिरे तो उन्होंने बम फेंका अब दुर्योग देखिए और अंग्रेजों का संयोग देखिए कि उस बम से वायसराय तो घायल हुआ जो छत्र जिसने पकड़ा हुआ था महावीर सिंह नाम का जो अंग्रेजों का पिट्ठू था उसके ऊपर बम लगा और उसकी मौके के ऊपर मौत हो गई अंग्रेजों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे दिल्ली दरबार में कोई हमारे सीने के ऊपर बम फेंक सकता है तो उन्होंने उस समय दिल्ली दरबार में भगदड़ मची और भगदड़ का लाभ उठाकर सारे क्रांतिकारी अमरेंद्र चटर्जी पर थे वसंत कुमार विश्वास वहां पर थे वो सब अलग अलग हो गए और रातों रात राज बोस रात की गाड़ी से पकड़कर अपने देहरादून के वन विभाग में पहुंच गए और उन्होंने ऐसा दिखाया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं उनको कुछ पता ही नहीं तो ये दिल्ली में जो बम कांड हुआ पूरी दुनिया में अंग्रेजों की खूब किरकिरी हुई खूब थूतू हुई उन्होंने दिल्ली दरबार आयोजित किया था लाखों रुपए खर्च करके कि अब दिल्ली दरबार के माध्यम से हम भारत का ब्रेन वॉश करेंगे मनोवैज्ञानिक तौर पर यह दिखाएंगे कि भारत को अंग्रेजों से कोई आजाद नहीं करवा सकता और हो गया उल्टा वायसराय के ऊपर ही बम का अटैक हो गया संदेश यह चला गया कि जब अंग्रेजों का वायसराय दिल्ली में सुरक्षित नहीं है हजारों लोगों की सेना के बीच सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब अंग्रेज भारत को क्या गुलाम बनाकर रखेंगे तो यह सारा काम होने के बाद यहां पर वो राज बिहारी बोस जी ने काम करना शुरू कर दिया राज बिहारी बोस काम करते रहे उधर अंग्रेजों ने इस दिल्ली में जो बम हुआ उस बम की खोज लगा करने के लिए अपने जो सबसे काबिल से काबिल जो समझदार से समझदार थे वो पुलिस अफसर लगाए पूरी पुलिस को उन्होंने लगा दिया उस पुलिस ने कुछ सूत्र पकड़े और कुछ सूत्र पकड़कर उन्होंने फरवरी मार्च में भाई बालमुकुंद जी अवध बिहारी जी और वसंत कुमार विश्वास जी को पकड़ लिया आठ मई 1915 को उनको फांसी के ऊपर लटका दिया वसंत कुमार विश्वास जी को 9 मई को फांसी के ऊपर लटका दिया और वो लगातार सर्च में लगे हुए थे कि और कौन इसका मास्टरमाइंड है और कौन व्यक्ति है अब 1913 में बंगाल में बाढ़ आई तो जतिन मुखर्जी जी वहां पर सेवा का काम कर रहे थे रास बिहारी बोस जी फिर संपर्क में आए फिर उन्होंने उत्साह से क्रांति का काम करना शुरू किया कि 1912 में तो यह किया अब दोबारा से कुछ और करना है तब तक पूरी दुनिया में विश्वयुद्ध का वातावरण बन गया था इस विश्व युद्ध के वातावरण में यह तय था कि विश्व युद्ध होगा अंग्रेजों को भाग लेना पड़ेगा तो रास बिहारी बोस जी ने योजना बनाई कि अंग्रेजों की अधिकतर सिपाही विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए देश के बाहर होंगे अंग्रेजों की नफरी कम रहेगी संख्या कम रहेगी हम यहां पर सारे कंटेनमेंट में जितने भारतीय सिपाही हैं जैसा अट्ठारह में किया वैसे ही हम उसका विद्रोह करवाएंगे उन्होंने लोगों से संपर्क करना शुरू किया अमेरिका में उस समय विष्णु पिंगले जी रहते थे उनको बुला लिया गया उनकी ड्यूटी लगाई गई उन्होंने पंजाब में गए करता शहीद भगत सिंह के जो गुरु थे करतार सिंह सराबा भाई परमानंद इन सब ने मीटिंग की और सब ने योजना बनाई कि अंग्रेजों के जितने कैंटोनमेंट हैं उन सब के अंदर हम जाएंगे और उन कैंटोनमेंट के अंदर जाकर हम सब के अंदर विद्रोह करेंगे और सिपाहियों को तैयार करेंगे कि एक डेट हम तय करेंगे उस डेट में सब क्रांति करेंगे और सब जगह हम अंग्रेजों को मारकर भारत से भगा देंगे तो अठारह की गदर की योजना के जैसी ही 1857 सो के क्रांति की योजना की जैसी ही उन्होंने योजना बनाई क्रांति की जिसको गदर का नाम दिया गया गदर पार्टी का गदर षड्यंत्र का नाम अंग्रेजों ने दिया तो उसमें उन्होंने क्रांतिकारियों को संगठित करके ये जो योजना बनाई उसमें सचिंद्रनाथ सान्याल जी लगे हुए थे पंजाब के क्रांतिकारियों को जोड़ दिया सारे क्रांतिकारियों को जोड़ दिया और ये तय किया कि इस बार तो सशस्त्र क्रांति करेंगे और सफल क्रांति करेंगे अंग्रेजों का एक जासूस था कृपाल सिंह उसने अंग्रेजों से इनाम के लालच में गदर पार्टी की जितनी एक्टिविटीज चल रही थी सशस्त्र क्रांति की उसकी सूचना अंग्रेजों को दे दी अंग्रेजों को पता लग गया बाहर से कुछ क्रांतिकारी आने वाले थे उनसे पहले ही अंग्रेजों ने यहां सारे क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी और इस जो गदर की योजना थी जो क्रांति की योजना थी यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर दिया गया उनको जेल में डाल दिया गया और जब अंग्रेजों ने देखा कि ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है तो उन्होंने बहुत से क्रांतिकारियों को तब तक उन्होंने काले पानी में जेल बनाने के लिए सोच लिया था कि काले पानी में जेल बनानी पड़ेगी भारत में ऐसे खतरनाक क्रांतिकारी हैं इनको यदि भारत की भूमि पर रखा तो ये सफल नहीं होने देंगे तो उन्होंने अब जो सशस्त्र क्रांति की योजना बनी तो इसमें रास बिहारी बोस जी का नाम प्रमुखता से पुलिस के सामने आ गया रास बिहारी बोस के पीछे पुलिस पड़ी हुई पड़ी हुई थी तो रास बिहारी बोस हरिद्वार में आए हरिद्वार में उस समय हमारे दादा गुरु गुरुदेव देव जी महाराज होते थे गुरुदेव देव जी महाराज क्रांतिकारियों के संपर्क में रहते थे वो बहुत बड़े क्रांतिकारी और समाज सेवी थे बंगाल में उस समय युगांतर और वंदे मातरम के नाम से जो समाचार पत्र छपता था उस समाचार पत्र को अंग्रेज बार बार वहां से छापना बंद कर देते थे बार बार छापा मारते थे क्रांतिकारियों को पकड़ लेते थे तो वो समाचार पत्र भी हमने अपने आश्रम से अपने पतंजलि का जो पहले का आश्रम है कनखल में दिव्य योग मंदिर जो आज का नाम है पहले जिसका नाम देव आश्रम था हमारे दादागुरु युगांतर और वंदे मातरम को यहां से वितरित करने का क्रांति का प्रचार प्रसार करने में काम करते थे और जब रास बिहारी बोस के ऊपर अंग्रेजों की पूरी पुलिस पड़ी हुई थी भारत में अंग्रेजों का रास बिहारी बोस का रहना मुश्किल था तो वो बंगाल को छोड़कर उत्तराखंड में यहां उस समय का जो उत्तर प्रदेश होता था उसमें आए हमारे दादा गुरु ने उनको अपने आश्रम में रखा और ये कहा कि जब तक मेरा सिर अपने धड़ के ऊपर है तब तक मैं अपने सरदार के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा रास बिहारी बोस को वो अपना सरदार मानते थे अपने आप को वो उनका सिपाही मानते थे। तो ऐसे हमारे दादा गुरु थे उस समय बिहारी बोस पर अंग्रेजों ने यह बताते हैं कि एक लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था कि ये जो रास बिहारी बोस है ये बड़ा अजीब आदमी है इसके अंदर इतनी संगठन की योग्यता है कि ये यदि बाहर रहा तो फिर क्रांति करवा देगा रास बिहारी बोस को पता था कि मैं यदि अंग्रेजों ने पकड़ लिया तो मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे या काले पानी में सड़ा देंगे वो ये चाहते थे कि मैं जीकर इस क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाऊं जीकर इस क्रांति की लड़ाई को लड़ूं तो उन्होंने उस समय ये अध्ययन किया अध्ययन किया तो अलग अलग देशों की क्रांतियों का अध्ययन किया तो उनके मन में यह विचार आया कि भारत के बाहर रहकर सशस्त्र सेना बनानी पड़ेगी उसके बिना अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना मुश्किल है तो हमारे दादा गुरु गुरुदेव कृपालु देव जी महाराज के सहयोग से और क्रांतिकारियों के सहयोग से राष्ट्रभक्तों के सहयोग से वो जापान पहुंचे जापान में रहकर उन्होंने जापानी भाषा सीखी जापान के शहर संघाई में पहुंचकर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के रिश्तेदार अपने आप को बताया और रविंद्रनाथ टैगोर के रिलेटिव वहां पर रहते थे उन रिलेटिव के बीच में वो टैगोर उन्होंने रास बिहारी टैगोर के नाम से अपना नाम रख लिया और रास बिहारी टैगोर के नाम से पी एन टैगोर के नाम से वो पासपोर्ट लिया और पासपोर्ट लेकर वो जापान पहुंचे जापान में वो रविंद्रनाथ टैगोर जी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के परिवार जो रिलेटिव रहते थे उनके पास उन्होंने रहना शुरू किया वहां पर रहकर उन्होंने रामायण का जापानी में अनुवाद किया जापानी भाषा सीखी वहां पर रहकर उन्होंने 16 पुस्तकें लिखी वहां पर रहकर उन्होंने न्यू एशिया के नाम से एक समाचार पत्र निकाला हमारे जितने क्रांतिकारी थे वो समाचार पत्र निकालने में बहुत बड़ा भरोसा करते थे कि क्रांति तब होगी जब क्रांति का विचार जन जन तक फैलाया जाएगा क्रांति का विचार जन जन तक पहुंचाया जाएगा ऐसे रास बिहारी बोस थे जब वो जापान में पहुंच गए तो अंग्रेजों की पूरी पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई अंग्रेजों की पुलिस लगातार जापान के में जो उस समय जापान के जो राष्ट्राध्यक्ष होते थे उनसे बात करती थी दूतावास से बात करती थी जापान अंग्रेजों के जो ब्रिटिश जासूस हैं वो लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे उनको सूंघते रहते थे कहीं वो जाकर रहते थे तो अंग्रेजों की अंग्रेजों के जासूस वहां पर गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाते थे तो जापान में जो जापान की राष्ट्रवादी पार्टी है उस राष्ट्रवादी पार्टी का जो हेड है उससे रास बिहारी बोस मिले और उनको बताया कि अंग्रेज कैसे अत्याचार कर रहे हैं और मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं मैं अपने देश को आजाद करवाना चाहता हूं तो वो भी बहुत बड़े वहां के राष्ट्रवादी थे उन्होंने उनको अपने घर में रखा अब उन्होंने जब अपने घर में रखा तो वो वहां के पावरफुल नेता थे जापानी पुलिस और अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर हाथ ला लें उसके बाद जब उन्होंने देखा कि यदि बिहारी बोस को लगातार बचाना है तो रास बिहारी बोस की किसी जापानी लड़की के साथ शादी करवानी है और रास बिहारी बोस को जापानी नागरिकता दिलवानी है तो उन्होंने वहां पर एक लड़की जो आइसो सोमा और ओक्को सोमा की बेटी थी तोशिको सोमा उसके साथ उनकी शादी करवाई राज बिहारी बोस ने कोकोसोमा के साथ शादी की शादी करने के बाद वो उनके साथ रहने लग गए और उनको जापान की नागरिकता मिल गई राज बिहारी बोस जो वहां पर रहते थे तो लगातार पुलिस पीछे पड़ी रहती थी एक बार जब वो किसी जापानी अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी के रिलेटिव के घर पर रुके हुए थे तो वहां पर अंग्रेजों की पुलिस आ गई अंग्रेजों के जासूस उनके दूतावास के अधिकारी जापानी पुलिस को लेकर आ गए कि हमारा एक अपराधी यहां पर छुपा हुआ है तो उनके रिलेटिव ने उनको बात किया और बात करते करते उन्होंने योजना बनाई अपने घर के पिछवाड़े से एक कार उन्होंने दोड़ा, तेजी से दौड़ाई तेजी से जब कार निकल कर गई गली से तो पुलिस वालों ने सोचा कि इसके अंदर रास बिहारी बोस निकले हैं वो सामने के दरवाजे से हटे उन्होंने उस कार का पीछा किया रास बिहारी बोस घर में ही थे और घर की घर से उन्होंने सुरक्षित निकाला ऐसे बीसियों बार राजबिहारी बोस वेश बदलकर नाम बदलकर अपना स्थान बदलकर लगातार बचते बच, रहे शादी होने के बाद फिर उनको जापान की नागरिकता मिल गई और उनको उन्होंने खुलकर जापानी नेताओं के बीच में भारत की एक छवि बनाई और भारत की आजादी की लड़ाई के लिए जापानी नेताओं का सहयोग लिया उस समय जापानी और अंग्रेजों का युद्ध शुरू हो गया अंग्रेजों ने जापानियों का एक जहाज डुबो दिया था जापानी और अंग्रेजों की मित्रता भंग हो गई और विश्व युद्ध का जो वातावरण बना उस विश्व युद्ध में दोनों देश आमने सामने खड़े हो गए उस समय रास बिहारी बोस और रास बिहारी बोस जो अंग्रेजों जो अंग्रेज उनके पीछे पड़े रहते थे उस समय अंग्रेजों और जापानियों की जो लड़ाई हुई उसमें जापानियों ने बहुत से अंग्रेजों के सैनिकों को बंदी बना रखा था उन अंग्रेजों के सैनिकों को बंदी बनाकर जापान ने उनको अपनी जेल में रखा हुआ था तो राज बिहारी बोस ने वहां पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और जापानियों से कहा कि ये जो भारतीय युद्धबंदी हैं ये अपने देश से प्यार करते हैं अंग्रेजों की सेना में ये जरूर थे लेकिन ये अंग्रेजों के वफादार वफादार नहीं हैं ये भारत के वफादार आप इन युद्धबंदियों को अपनी कैद से आजाद कर दें ये हमें दे दें हम इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंतर्गत उनकी एक आर्मी बनाएंगे और उस आर्मी में इनको लेंगे ये आर्मी अंग्रेजों से युद्ध करने का काम करेगी तो जापानियों को यह बात बड़ी अच्छी लगी कि अंग्रेजों को हराने के लिए हम भारतीयों का सहयोग करें और भारतीयों के सहयोग से हम अंग्रेजों को हराएं तो उस आर्मी का सहयोग लिया वहां पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंतर्गत उनकी सैन्य शाखा आजाद हिंद फौज बनाई गई आजाद हिंद सेना बनाई गई सैन्य शाखा के रूप में जनरल मोहन सिंह उसके पहले कमांडर बने और जापान में यह काम शुरू हो गया लेकिन वो सेना कोई बहुत बड़ा लगी हुई थी उस समय कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता था राजबिहारी बोस जी की आयु बड़ी हो गई थी उसी समय एक वातावरण बना और उस वातावरण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को छोड़कर जर्मनी के रास्ते अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच चुके थे 1942 में बयालीस में राजबिहारी बोस ने एक सेमिनार किया इंडियन इंडियन, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का बैंकॉक में और उसमें पूरे अलग अलग देशों में जो भारतीय रहते थे क्रांतिकारी रहते थे उनको बुलाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उस सेमिनार का उस इंडिपेंडेंस लीग के उस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष रखा और उस समय उनकी बातचीत की नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब बातचीत की तो रास बिहारी बोस ने जापान का उस समय जो प्रमुख होता था उससे बात की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में हैं आप अपने जर्मनी के अधिकारियों को कहिए कि नेताजी को यहां पर भेज दें वो इस आजाद हिंद फौज की कमान संभालेंगे उनके अंदर नेतृत्व की क्षमताएं हैं है। और राज बिहारी बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेतृत्व की क्षमताओं को जानते थे 1938 में जब नेताजी प्रधान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तो रास बिहारी बोस ने एक पत्र लिखा था मैं वो पत्र आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं वो पत्र क्या था उस पत्र के साथ आपको उस समय की कांग्रेस की स्थिति का भी पता लग जाएगा और रास बिहारी बोस का विजन क्या था नेताजी का विजन क्या था उसका पता लग जाएगा उन्होंने पत्र लिखा मेरे प्रिय सुभाष बाबू भारत के भारत के समाचार पत्र पाकर मुझे यह सुखद समाचार मिला है उस समय रास बिहारी जापान में थे कि आगामी कांग्रेस के लिए आपको अध्यक्ष चुना गया है मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अंग्रेजों के भारत पर कब्जा करने में कुछ हद तक बंगाली भी जिम्मेदार है उन्होंने कहा क्योंकि पहला प्लासी का युद्ध बंगाल में हुआ था तो उन्होंने कहा कि मेरे विचार से बंगालियों का मूल कर्तव्य है कि भारत की आजादी दिलाने में वो औरों से अधिक बलिदान करें देश को सही दिशा में ले जाने के लिए आज कांग्रेस को क्रांतिकारी मानसिकता से काम लेना होगा इस समय यह एक विकासशील संस्था है इसे विशुद्ध क्रांतिकारी संस्था बनाना होगा जब पूरा शरीर दूषित हो तो अंगों के ऊपर बाहर दवाई लगाने से काम नहीं चलेगा आगे वो कहते हैं कि ये जो गांधी जी की अहिंसा की अंधिवंदना है इसका विरोध होना चाहिए ये विचार के अंदर परिवर्तन होना चाहिए हमें हिंसा और अहिंसा हर संभव तरीके से अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए अहिंसक वातावरण भारतीय पुरुषों को नपुंसक बना रहा है वर्तमान विश्व में यदि कोई राष्ट्र ऐसा है जिसको पूरा विश्व आत्मसम्मान की दृष्टि से देखता है और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता है तो उसको अहिंसावादी नहीं होना चाहिए शक्ति की पूजा सब करते हैं हमारी कठिनाई यह है कि हमारे कानों में बहुत लंबे समय तक अहिंसा की बातें भर दी गई हैं और यह है विचार पूरी तरह से निकाल देना चाहिए उन्नीस में कह रहे हैं वीर रास बिहारी बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापान से चिट्ठी लिख रहे हैं शक्ति आज की वास्तविक आवश्यकता है इस विषय पर आपको पूरी शक्ति लगानी चाहिए डॉक्टर मुंजे ने अपना मिलिट्री स्कूल स्थापित करके कांग्रेस से ज्यादा काम किया है भारतीयों को पहले सैनिक बनाया जाना चाहिए उन्हें अधिकार हो कि वो शस्त्र लेकर चल सके अगला महत्वपूर्ण कार्य हिंदू भाईचारा है जो भारत में पैदा हुआ वो हिंदू है और आगे वो लिखते हैं कि हमें यह मालूम नहीं है कि जीवन कैसे जिया जाए और जीवन का बलिदान कैसे किया जाए यही मुख्य कठिनाई है हमारे सामने समस्या यही है और वो आगे कहते हैं कि मैं यहां जापान में हूं जापान में मैं देख रहा हूं हमें जापानियों से सीख लेनी चाहिए वो अपने देश के लिए हजारों की संख्या में मरने के लिए तैयार हैं यही जागृति हमें आनी चाहिए हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु को गले कैसे लगाया जाता है और जिस दिन हमने यह सीख लिया कि मृत्यु को गले कैसे लगाया जाता है भारत की स्वतंत्रता की समस्या अपने आप हल हो जाएगी ऐसा राज बिहारी बोस ने 25 जनवरी 1938 में टोक्यो से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने पत्र लिखा तो ऐसे राज बिहारी बोस थे 22 जून 1942 में लीग का सम्मेलन आयोजित हुआ उसमें तय हुआ उसके बाद जापानी दूतावास ने बात की अब जापानी दूतावास में जब राज बिहारी बोस ने कहा कि ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है आजाद हिंद फौज है इसका सेनापति मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनाना चाहता हूं तो उस समय वहां का जो प्रमुख था उसने पूछा कि आप सीनियर क्रांतिकारी हैं राज बिहारी बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस से 11 साल बड़े थे आप सीनियर क्रांतिकारी हैं क्या आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंडर में काम कर लेंगे तो राज बिहारी बोस ने कहा कि जो मेरे देश की लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है मैं उसके अंतर्गत उसके अधीन उसके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हूं जापानियों ने वहां जर्मनी में अपने दूतावास में संदेश दिया जर्मनी के अधिकारियों ने हिटलर से बात की हिटलर के अधिकारियों से बात की उन्होंने नेताजी को बुलाया उन्होंने कहा कि आपको हम जापान में भेजना चाहते हैं कि आप जापान में जाना चाहते हैं और उन्होंने वहां यह नहीं कहा कि आपको सेना का नेतृत्व करना है उन्होंने कहा कि वहां पर सेना बनी हुई है राज बिहारी बोस जी हैं क्या आप राज बिहारी बोस के नेतृत्व में काम कर लेंगे तो अब नेताजी का जवाब सुनने लायक है इधर राज बिहारी बोस कहते हैं कि आप बड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि राज बिहारी बोस जी के बारे में मैं बहुत अधिक तो नहीं जानता लेकिन यदि कोई भी मेरे देश भारत से आकर यहां जापान में रहकर यदि कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वह कोई भी हो मैं उसके अधीन उसके नेतृत्व में उसके नीचे काम करने के लिए तैयार हूं मुझे कोई पद या मान सम्मान की भूख नहीं है दोनों नेता एक दूसरे के अंतर्गत काम करने के लिए तैयार हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगभग नब्बे दिन की पंडुब्बी की यात्रा करके मेडागास्कर होते हुए जापान जर्मनी से जापान पहुंचे और जब जब जर्मनी से जापान आए तो राजबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समझाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर नेतृत्व की ऐसी क्षमताएं थी कि उन्होंने पूरे बर्मा पूरे एशिया में जो भारतीय रहते थे उनके हृदय के अंदर हृदय परिवर्तन कर दिया कहीं जब कार्यक्रम होता था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो गेंदे की एक एक माला पहनते थे उस माला की नीलामी करते थे तो जब वो नीलामी करते थे तो वो माला एक एक लाख रुपए की बिकती थी उस समय कितनी कीमत रही होगी एक एक रुपए की वहां पर एशिया में रहने वाले एक हमारे गुजरात के भाई थे उस भाई ने अपनी एक करोड़ रुपए की संपत्ति आजाद हिंद फौज को दान कर दी ऐसा नेताजी का प्रभाव था लोगों ने आजाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली नेताजी ने कहा कि ज्यादा संख्या में मेरे पास देने के लिए हथियार नहीं है तो उन लोगों ने कहा कि हम लाठियों से लड़ाई करेंगे हम हाथों से लड़ाई करेंगे हम आमने सामने की लड़ाई करेंगे लेकिन हमें भर्ती कर लो महिलाएं आई उन्होंने अपने रक्त से अपने हस्ताक्षर करके नेताजी को ज्ञापन दिया कि हमें भी लड़ाई के अंदर शामिल करो बच्चे आए उन्होंने कहा कि इस आजादी की लड़ाई में हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं हम लड़ाई नहीं कर सकते तो सूचनाएं पहुंचा सकते हैं हम सैनिकों की पीछे मदद कर सकते हैं रसद पहुंचा सकते हैं तो आजाद हिंद फौज में नेताजी ने बाल सेना के नाम से अलग से एक यूनिट बनाई इतना उत्साह वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भर दिया तो राज बिहारी बोस ने पूरी कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को संभलवाई सुभाष चंद्र बोस मणिपुर कोहिमा के रास्ते नागालैंड के रास्ते इम्फाल के रास्ते आज का जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो आजाद हिंद फौज ने जीत लिया था वहां पर अपनी सरकार स्थापित कर दी थी शहीद और स्वराज दीप उसका नाम रखा था इम्फाल में जब मोईरंग में एक जगह है मणिपुर के इम्फाल में वहां तक आजाद हिंद फौज पहुंच चुकी थी नेताजी खुद वहां पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने आजाद भारत का भारत की भूमि पर पहुंचकर झंडा लहराया था वो स्थान आज भी एक तीर्थ के रूप में है आपका कभी मणिपुर जाने का अवसर मिला तो बर्मा के बॉर्डर के ऊपर आप वहां पर जरूर जाइए उस स्थान की भी कांग्रेस की सरकार ने दुर्गति की हुई थी उस स्थान को भी अब आज की वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार ने अपने अंडर में लिया है और वो स्थान जिसका प्राइवेट था उस स्थान को टेक ओवर करके अब वहां पर बड़े स्मारक का निर्माण हो रहा है अंडमान निकोबार जिसमें सेल्युलर जेल रही गांधी परिवार का कोई व्यक्ति वहां पर घूमने के लिए भी नहीं गया जेल में जाने की तो दूर की बात है वहां पर गांधी जी का बड़ा सा राजीव गांधी का बड़ा सा स्टेचू लगा हुआ है ऐसे लगा हुआ है समुद्र के बीच में जैसे अमेरिका का स्टेचू ऑफ लिबर्टी है ऐसे ही राजीव गांधी का स्टेचू है जिसमें वो माला को घुमा रहे हैं और घूमती हुई माला को वो घुमा रहे हैं कि जैसे सामने क्रांतिकारियों के और काले पानी में जितने लोग रहे थे उनके नेता राजीव गांधी रहे हैं महा जवाहरलाल नेहरू जीते जी कभी काले पानी नहीं गया सेलुलर जेल नहीं गया वो हमारे क्रांतिकारियों का तीर्थ है जहां पर क्रांतिकारियों ने अपना खून पसीना और अपना लहू बहाया है। तो वहां पर हुआ शहीद स्वराज दीप उसका नाम नहीं रखा गया, नेताजी बोस के ऊपर उसका नामकरण नहीं किया गया वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम की कोई याद नहीं है जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी भूमि के रूप में वहां से शासन चलाया था वहां अपना प्रशासक नियुक्त किया था हमारी आजाद सरकार 1944 में वहां पर स्थापित हो चुकी थी इस गौरव को हमें पढ़ाया नहीं जाता इस गौरव को हमें बताया नहीं जाता तो आजाद हिंद फौज ने लड़ाई लड़ी कोहिमा इंफाल के रास्ते पर वो लड़ाई लड़ी गई ब्रिटिश में जो ब्रिटिश म्यूजियम है वार म्यूजियम है उसने एक सर्वे करवाया और एक शोध किया कि दूसरे विश्व युद्ध के आसपास ऐसी भयंकर लड़ाई कौन सी थी जहां पर सबसे भयंकर मोर्चा था तो उन्होंने यह पाया कि जो मणिपुर और कोहिमा के जंगलों में आजाद हिंद फौज और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था वो दूसरे विश्व युद्ध का सबसे खतरनाक मोर्चा था यह अंग्रेज ब्रिटिश म्यूजियम आज इसके ऊपर मोहर लगा हुआ है लगाया हुआ मेरा मोरंग में जाना हुआ है वहां पर जाकर मैंने नमन किया है हमारे क्रांति वीरों को तो वहां पर जब हम जाते हैं तो रास्ते में ऐसे बहुत से मोर्चे थे जहां पर हजारों की संख्या में आजाद हिंद फौज के सैनिक मारे गए ब्रिटिश सैनिक मारे गए और जापानी सैनिक भी मारे गए आज भी वहां के लोग बताते हैं कि जो अंग्रेज सैनिक मारे गए थे आज भी वहां के लोग वहां पर आकर उन अंग्रेज अपने पूर्वजों की याद में आकर वहां पर उनकी कब्र के ऊपर दिया जलाते हैं उनको स्मरण करते हैं जापानी जो वहां पर मारे गए थे शहीद हुए थे अंडमान निकोबार में मैं जब वहां पर एक रोस आइलैंड है वहां पर जब मैं गया तो मैंने देखा कि एक, एक कब्रिस्तान है उसको बड़ा जगमग किया हुआ है अच्छी सी लाइट लगी हुई है बाकी सब तो खंडहर है तो जब पूछा तो पता क्या कि यहां पर ये जो रोस आइलैंड है इसके अंदर जितने भी अंग्रेज अंग्रेज जेलर होते थे अंग्रेज यहाँ के प्रशासक होते थे अधिकारी होते थे उन सब की कब्र बनी हुई है उन सब की कब्र की साफ सफाई तो रोज होती है वहां पर लाइट जलाई जाती है वहां पर सजावट की जाती है लेकिन ऐसे हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया उनका कहीं कोई सम्मान नहीं होता तो बिहारी बोस जी और आजाद हिंद फौज ने जो लड़ाई लड़ी उससे लाल किले में फिर आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने शहादत दी और जो बच गई उन्होंने उनको अंग्रेजी सेना ने पकड़कर लाल किले में लेकर आए लाल किले में मेजर शाहनवाज खान मेजर डिल्लो और सहगल कैप्टन सहगल इन सब को जो सेनापति थे अलग अलग जो उनकी बटालियन बनी हुई थी उनके नायक थे उन सबको वहां पर पेश किया गया पूरा देश के अंदर उबाल आया नौसेना ने विद्रोह कर दिया भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया भारतीय सैनिकों ने यह संकल्प लिया कि अब कुछ भी हो जाए हम अंग्रेजों के राज मुकुट में अपनी श्रद्धा नहीं रखेंगे और भारत को आजादी कैसे मिली क्लीमेट एट्री जो 1945 से 50 तक प्रधानमंत्री रहे इंग्लैंड के वो 1956 में भारत में घूमने के लिए आए उस समय बंगाल के राज्यपाल थे श्री पीवी चक्रवर्ती जी जब वो पीवी चक्रवर्ती जी के साथ बैठे हुए थे तो पीवी चक्रवर्ती जी ने पूछ लिया कि आप तो सेकंड वर्ल्ड वार जीत चुके थे महात्मा गांधी ने उन्नीस में जो करो या मरो और असहयोग आंदोलन किया था उसको आपने हरा दिया था तो आपने भारत को आजाद क्यों किया यहां पर आपने संसद भवन बनाया राष्ट्रपति भवन बनाया जिसके अंदर चार डाक मंगले अच्छे वाले थे तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो आप ताकतवर बन गए थे युद्ध आपने जीता था आपने क्यों छोड़ा गांधी जी के कारण छोड़ा क्या तो मिस्टर एटली हट पड़े उसने कहा कि गांधी जी के कारण नहीं छोड़ा हमें भारत छोड़ना पड़ा हमें भारत छोड़ना पड़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेना बनाकर भारतीय सैनिकों की श्रद्धा ब्रिटिश के राज मुकुट में खत्म कर दी ये बड़ा काम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आई ने किया इंडियन भारतीय आजाद हिंद फौज की सेना ने किया सेना के ऊपर ट्रायल चलाया गया पूरा देश सैनिकों के साथ खड़ा हुआ कुछ लोगों को फांसी के ऊपर लटकाया गया कुछ को सजा दी गई बाकी सैनिकों को आजाद कर दिया गया देसाई ने वो मुकदमा लड़ा उसके तर्क आज भी सुनने लायक है मैं कभी समय मिला तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा अंग्रेज कहते थे कि तुम हत्यारे हो सेना को कहते थे कि इन्होंने आक्रमण किया है और भूला भाई देसाई उस समय बुखार में तपते थे उनकी आयु उस समय सत्तर से पिछहत्तर साल की थी उठ नहीं सकते थे लेकिन वो भी तर्क देने के लिए लाल किले में उन्होंने दोबारा कोट पहना और आजाद हिंद फौज के सिपाहियों का बचाव किया और मैं आपको एक और विडंबना बताता हूं उन्नीस में पाकिस्तान बना उस पाकिस्तान में आजाद हिंद फौज के आधे कुछ सिपाही ऐसे थे जो पाकिस्तान जो उनका नेटिव प्लेस था तो वहां पर वो चले गए कुछ सिपाही हिंदुस्तान में रह गए आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को आजादी के बाद नेहरू ने कहकर सेना में शामिल करने से मना कर दिया कि यह अनुशासित सिपाही नहीं है इनकी जो वफादारी है वो संदेह में आती है ऐसा नेहरू ने कहा और जो आधे सैनिक पाकिस्तान में गए थे पाकिस्तानियों ने उनको अपनी पाकिस्तान की सेना में शामिल कर लिया तो यह विडंबना है कि आजाद हिंद फौज में जो बिना किसी वेतन के लड़े जिन्होंने अपने प्राण दांव पर लगाकर अंग्रेजों के जैसे बड़े साम्राज्य से टक्कर ली नेहरू जी ने उनको यह कहा कि इनकी जो वफादारी है वो संदेह में आती है ये अनुशासित सैनिक नहीं है ऐसा किसी भी देश में नहीं रहा होगा कि जिस देश के क्रांतिकारियों ने आजादी की जंग लड़ी हो उनको आजादी के बाद गुमनाम रहना पड़ा हो उनको क्रांतिकारी का दर्जा नहीं दिया उनको स्वतंत्रता सेनानी नहीं, नहीं माना गया उन्नीस में जाकर उन्नीस के दशक में जब वो लगातार आंदोलन चलते करते रहे तो उन्नीस के दशक में जाकर उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया कैसी कांग्रेस ने कैसा अन्याय और अत्याचार किया है आप अंदाजा लगा लीजिए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राज बिहारी बोस जी के कारण हमें आजादी मिली आज उनकी पुण्यतिथि है उनकी पुण्यतिथि पर हम नमन करते हैं आपने किसी पाठ में राज बिहारी बोस के बारे में नहीं पढ़ा होगा आज भी जापान में डिश बनाई जाती है जो हर रेस्टोरेंट में फेमस है उस डिश का नाम ने राज बिहारी बोस के नाम पर है उस करी का नाम राज बिहारी बोस के नाम पर है जापान के लोग तो राज बिहारी बोस के बारे में जानते हैं लेकिन हिंदुस्तान के लोग जिनके लिए रास बिहारी बोस ने अपना पूरा जीवन लगा दिया वो रास बिहारी बोस के बारे में नहीं जानते ये विडंबना है हमारे पहली दूसरी तीसरी छठी सातवीं आठवीं नौवीं ग्यारहवीं बारहवीं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की किसी भी हिस्ट्री में हमें रास बिहारी बोस के नाम से एक चैप्टर भी नहीं पढ़ाया जाता एक लाइन भी कहीं लिखी नहीं जाती यह हमारे देश की विडंबना है ऐसे लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया जिन्होंने भारत को आजादी के रास्ते आजादी दिलवाई उनके बारे में हम जानते हैं निरास बिहारी बोस जी की 1945 में आजादी देखने से पहले वहीं पर मृत्यु हुई जापान में उनको उनकी पत्नी के बगल में दफनाया गया और उनकी पत्नी के बगल में दफनाने के बाद उनकी जो अस्थियां हैं उनको दो में सत्तर साल बाद जापान से भारत लाया गया और अब विडंबना देखिए चंदन नगर का मेयर उन अस्थियों को लेकर आया और उन अस्थियों का स्वागत करने के लिए जब वो भारत आए ना तो बंगाल की सीएम ना भारत का कोई बड़ा मंत्री कोई बड़ा व्यक्ति वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच पाया तो हम अपने नेता रास बिहारी बोस को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाए हम रास बिहारी बोस को सम्मान नहीं दे पाए आप और हम अब सोशल मीडिया हमारे हाथ में है हमारा यह दायित्व बनता है कि ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी को जो चमकते हुए सितारे की तरह थे जो शायद नहीं होते अपनी जवानी को जलाते नहीं तो भारत को आजादी नहीं मिलती उसकी इस कहानी को जन जन तक पहुंचाएं उनके बारे में बहुत अधिक पुस्तकें नहीं लिखी गई है बहुत अधिक पढ़ाया नहीं जाता उनकी पुण्यतिथि उनके जन्मदिन पर कोई छुट्टी भी नहीं मनाई जाती आज भीम आर्मी मीम आर्मी सब छोटे छोटे जिनका सामान्य योगदान है उनके नाम पर छुट्टियां मांगते हैं उनके नाम पर आंदोलन करते हैं ऐसे व्यक्तियों को हमें अपना आदर्श अपने प्रेरणा पुरुष मानना चाहिए इनके ऊपर छुट्टी होनी चाहिए तो ये, ये राज बिहारी बोस का इतिहास रहा हम उनको नमन करते हैं उनको स्मरण करते हैं और जो जापानियों के मन में उनके लिए कितनी श्रद्धा थी आप अंदाजा लगा लीजिए कि जापानियों ने 1945 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो जापान का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है जैसे भारत में भारत रत्न है ऐसे ही जापानियों का जो बड़ा पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के सम्मान से उन्होंने सम्मानित किया भारत में भारत रत्न मिलना चाहिए तो रास बिहारी बोस जैसे व्यक्तियों को मिलना चाहिए आज भी जापान में उनका बेटा उनकी बेटी है उनके वंशज हैं हमने उनको कोई सम्मान नहीं दे पाए तो आज हम उनको यहां से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनके परिवार ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय